पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चहेते फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जरा छिपी सी रहती हैं। तुम सिर्फ जगमगाती दुनिया की तलाश में निकले और अपनी दुनिया में अंधेरा कर लिया। क्या आप जानते हैं कि जितेंद्र साहब किस फिल्म की वजह से मुंबई शहर छोड़कर दक्षिण भारत का हिस्सा बन गए थे? जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, हमेशा सुख के मोती पाओगी। सिर्फ साउथ इंडिया के ही प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर रहे थे, या फिर कैसे इनकी और गुलजार साहब की गहरी दोस्ती हुई थी, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इनके बचपन के दोस्त रहे राजेश खन्ना। जब सभी को कुछ ना कुछ दिया है तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा, आइए। राजेश खन्ना थिएटर से ताल्लुक रखते थे और जब जितेंद्र साहब ने एक्टर बनने की ठानी और इन्हें ऑडिशन देना था, तब राजेश खन्ना साहब ने ही इन्हें तैयार करवाया था उस ऑडिशन के लिए। वाह वाह वाह, इसका मतलब जानती हो क्या? इसका मतलब जब बराबर के टुकड़े हो तो तुम मुझसे प्यार करती हो। तब जितेंद्र साहब का नाम रवि था। इस बात पर भी गौर करिए, जितेंद्र साहब की डायलॉग डिलीवरी बहुत साफ नहीं थी, ये लिस्प करते थे। जैसे कौन सी चीज खींचता है तुम्हें, मेरी ठेड़ी या हथौड़ी की आवाज या मेरे दिल की धड़कन? रंग चढ़ा? हाँ चढ़ा। लाली आई? बहुत। अरे कैसे नहीं आती, मेहंदी किसने दी थी? बी शांताराम साहब ने इनका लिस्ट निकाला, इनकी आवाज सुधारी, इनकी डायलॉग डिलीवरी और मजबूत करवाई। सिर्फ उसके गले में मंगलसूत्र डालने के नाते नहीं, एक इंसान एक पति होने के नाते उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है। ये जितेंद्र साहब और गुलजार साहब गहरे दोस्त कैसे बने, इसके पीछे भी राजेश खन्ना की एक फिल्म का हाथ है। वो फिल्म रही आनंद। जितेंद्र साहब और इनकी वाइफ शोभा कपूर को फिल्म आनंद बेहद पसंद आई और इन दोनों को ही लगा कि फिल्म का जो राइटर है वो बहुत उभर के आ रहा है, डायलॉग्स एक के बाद एक बड़े कमाल के आ रहे हैं। लिहाजा इन्होंने गुलजार साहब से रابطہ बनाया और दोस्ती इतनी गहरी हुई कि आगे जाकर इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, वो फिल्म्स जितेंद्र साहब ने प्रोड्यूस की। जहां तक कहा गया कि गुलजार साहब ने उन फिल्मों में जितेंद्र साहब को वो लुक दिया जो हूबहू गुलजार साहब से ही मैच करता था। 80 की दहाई की शुरुआत में जितेंद्र साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस करी दीदारे यार। इस फिल्म को बनने में बहुत वक्त लगा और इस फिल्म की वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। एक पंखा भी नहीं खरीद सकते क्या? पंखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं खरीद सकते, क्या है कि अब तक मैं अकेला था, मस्त राम आदमी हूँ, जो कुछ मिला खा लिया, जहाँ जगह मिली वहाँ सो लिया, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। लिहाजा इन्हें अपने परिवार को छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ रुख करना पड़ा, जहाँ पर साउथ इंडियन प्रोड्यूसर्स के साथ इन्होंने काम शुरू किया और साउथ की फिल्मों के हिंदी रिमेक का ये हीरो बने। ऐसी और बड़ी जबरदस्त दास्तानें सिर्फ पीपल एंड हिस्ट्री पर। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।